गुड मॉर्निंग, मैं सज्जाद अंसारी और आप देख रहे हैं DSN बाबा चैनल। और मेरे प्यारे तमाम दोस्तों और मेरे बहनें और माताएं जो भी हमारे DSN बाबा चैनल देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को मैं अपने DSN बाबा चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है हमारा जिस्म यानी हमारा बॉडी कैसे बना और इसको क्या क्या चाहिए तंदुरुस्त रहने के लिए। और आज हम आए दिन रोज़ाना क्या क्या खाते हैं, उनमें से कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब हम जानेंगे कि इस चीज़ को खाने से हमें यह फ़ायदा है तो आप उसको बहुत मेहनत से खाएंगे और रोज़ाना खाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा, थोड़ा वीडियो ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा बॉडी अगर स्वस्थ है तंदुरुस्त है तो बाकी सब ठीक ठाक है। और ये उर्दू में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि किसी का रिक्वेस्ट आया है, एक हमारे मौलाना साहब का है कि कुछ उर्दू में बताइए, आप हिंदी इंग्लिश शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहा ठीक है, उर्दू में बोलता हूँ, शुद्ध उर्दू में बताता हूँ आज मैं। हमारा जिस्म जिस तरह एक मकान की तामीर और उसके हुस्न जमाल के लिए उम्दा और अच्छा सा मकान चाहिए, इसी तरह इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मुतदिल सेहत के लिए लाजिम है। इन ज़रूरी चीज़ों में सबसे अहम चीज़ें हयातीन हैं, जिनको विटामिन कहा जाता है। हयातीन यानी विटामिन की कई किस्में हैं और हर किस्म का फ़ायदा अलग है। इंसान के बदन में जिस विटामिन की कमी होगी उसी एतबार से उसके जिस्म में बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए इस वीडियो में चंद विटामिनों की कमी से पैदा होने वाली बीमारियों और अलग अलग ग़िज़ाओं से हासिल होने वाले विटामिनों को खूब तवज्जो से पढ़ो सुनिए और उसकी रोशनी में अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखो। देखिए, नंबर एक विटामिन ए। इस विटामिन की कमी से ये चंद बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, खाल खुश्क और खुरदुरी हो जाती है, बदन में चुस्ती नहीं रहती, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। विटामिन ए उन ग़िज़ाओं से हासिल होता है जैसे दूध, दूध कौन सी मदर डेयरी की नहीं, गाय भैंस के दूध निकले हुए, बकरी के दूध निकले हुए हाथ से निकाले हुए, उसमें दही, पनीर, मक्खन, बालाई, देसी घी, मछली, गोश्त, अंडा, आम, अंडा कौन सा देसी, आम, अनानास, माल्टा, संतरा, नींबू, ठीक है, इन सब में विटामिन ए भरपूर होता है, आप खूब खाइए। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से ये चंद बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, होंठ फटने लगते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जबान सूखी सूखी महसूस होती है, जिस्म में दर्द होता है, अक्सर बेहोशी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिस्म में कपकपाहट पैदा हो जाती है। विटामिन बी उन चीज़ों से हासिल होता है, ऐसा अनाज जिसे पानी में इतना भिगो दिया जाए कि अंकुर निकल आए, हरे पत्तों वाली सब्जियां, छिलकेदार अनाज, बगैर छना आटा, चना, दूध, कलेजी वगैरह वगैरह में आपको विटामिन बी मिल जाएंगे। देखिए, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से ये चंद बीमारियां पैदा होती है। क्या क्या होती है, मसूड़ों में वर्म आ जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत हिलने लगते हैं, खाल में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। अब आगे सुने, विटामिन सी उन चीज़ों से हासिल होता है, किन चीज़ों से, दूध, आंवला, लेमू, संतरा, हरा धनिया, पुदीना, वो चने जिन्हें भिगोने की वजह से उनके अंकुर निकल आए, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से ये चंद बीमारियां पैदा हो जाती हैं, टांगों में टेढ़ापन पैदा हो जाता है, घुटनों के मोड़ने में आवाज़ पैदा हो जाती है, रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, पसलियों में गांठें पैदा होने लगती हैं, समझ गए। विटामिन डी उन चीज़ों से हासिल होता है जैसे धूप में बदन सेकना, दूध, मछली, अंडा, गोश्त, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से मर्द में नामर्दी पैदा हो जाती है और औरत में बांझपन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद से महरूमी रहती है। बहुत सारे औरतों मर्दों को देखा गया कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास भागते फिरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मशवरा है कि आप विटामिन ई वाली चीज़ें खूब खाइए, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लंबे लंबे फीस लेते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, अब विटामिन ई किस चीज़ में पाई जाती है, एक सवाल है तो मैं बता रहा हूँ, विटामिन ई उन चीज़ों से हासिल होता है जैसे रोगन तेल, मछली का तेल, रोगन जैतून, पिस्ता, बादाम, चिलगोज़ा, बाजरा, गेहूँ, जौ, चना, गोश्त, मछली, गुर्दे, गाजर, पालक का साग, सोयाबीन, ठीक है, इन सब चीज़ों को खूब खाइए, विटामिन ये आपके अंदर हासिल होंगे। इन विटामिनों के अलावा जिस्म की सेहत के लिए कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं और वो ये हैं जैसे क्लोरीन, मैग्नीशियम, गंधक, फौलाद, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़ी इसकी भी आप तफसील से समझ लीजिए, क्लोरीन जिस तरह
धोबी कपड़े साफ करता है, इसी तरह कैलोरीन जिस्म का धोबी है। अगर हमारे बॉडी में कैलोरीन की कमी आ जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये जिस्म की सफाई करता है, और हमारा आरजीजीएल भी जिस्म की सफाई करता है, ठीक है। आरजीजीएल भी इसके साथ खाइए, खास तौर पर पेट और आंतों की सफाई करता है, कुव्वते हाजमा बढ़ाता है, कब्ज दूर करता है, गुर्दों की भी सफाई करता है। कैलोरीन इन चीज़ों में पाया जाता है। मूली, बंद गोभी, प्याज, पालक, गाजर, टमाटर, बकरी का दूध, ठीक है। अब आगे जाइए, मैग्नीशियम, यह पट्ठों को ताकत देता है, दिमाग और आसाब की परवरिश करता है और कब्ज को दूर करता है। मैग्नीशियम इन चीज़ों में पाया जाता है। इंजीर, पालक, अंगूर, आलू बुखारा, संतरा, रसभरी, सेब, टमाटर, इन सबको खूब खाइए। गंधक, यह बदन को चुस्त बनाती है, जिगर से सफरा निकालती है, पित्त निकालती है, ठीक है, जिससे पीलिया जैसी बीमारियों से हिफाजत होती है, खून साफ करती है, खाल को खूबसूरत बनाती है, बालों को लंबा करती है, मोटापा कम करती है, गठिया के दर्द से महफूज रखती है। गंधक उन चीज़ों में पाई जाती है। किन चीज़ों में? मूली, लहसुन, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी, ठीक है। फौलाद, ये खून का सबसे अहम हिस्सा है। फौलाद बदन को गर्मी फराहम करता है, खून के सुर्ख जर्रों को बढ़ाता है, बदन को मजबूत करता है, चेहरे के पीलेपन को दूर करता है, चिड़चिड़ापन खत्म करता है, और मजीद ये कि ये फौलाद इंसान में हिम्मत और हौसला पैदा करता है। फौलाद उन चीज़ों में पाया जाता है, लाल मूली, हरी सब्जी, पालक, मटर की फली, सीम, सोयाबीन, गाजर, कद्दू, बंद गोभी, गोश्त, कलेजी, खुबानी, केला, इंजीर, बादाम, खजूर और मुख्तलिफ किस्म के दालें, इन सब में आपको फौलाद मिलेंगे। और हमारे डीएक्सएन कंपनी में भी आयरन है, ये स्पायरुलिना है, इसके अंदर भी आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब है, ये मतलब है चूना, यानी बदन के लिए कैल्शियम नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम से ही हड्डियाँ और दांत बनते हैं। कैल्शियम खून की नालियों को मजबूत करता है, खून को सुर्ख बनाता है, फेफड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, याद रखने की कुव्वत को बढ़ाता है और बर्दाश्त की ताकत पैदा करता है। आज के ज़माने में देखिए कितनी जल्दी लोग लड़ने मरने पा जाते हैं, क्यों? उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। इसलिए डीएक्सएन कंपनी का स्पायरुलिना खाइए, कैल्शियम को बढ़ाइए। दूध, अब कैल्शियम किन चीज़ों में पाई जाती है? कैल्शियम इन चीज़ों में पाया जाता है, दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, अंडा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शलजम, पालक, गाजर, मटर, बथुआ, बंद गोभी। अब जितनी चीज़ें ये मैंने बताया है, दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, अंडा, बादाम, इस सब में अब टॉक्सिन भरी केमिकल आ रही है, अब इनको खाएंगे तो वो वाला पहले जैसा फ़ायदा नहीं मिलेंगे। इसलिए इसके साथ साथ में आइए, जो देख रहे हैं आरजीजीएल, इसके कैप्सूल ज़रूर खाइए, ताकि इसके अंदर से टॉक्सिन वाली चीज़ें आए तो निकलता रहे। ऑक्सीजन खून को साफ करती है, बदन में गर्मी और मकनातीस यानी चुम्बक की ताकत पैदा करती है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से हिफाजत करती है, टीबी की बीमारी से महफूज रखती है, जिस्म को मजबूत बनाती है। ये ऑक्सीजन साफ और खुली हवा में सांस लेने से फेफड़ों तक पहुंचती है और जिस्म को नफ़ा पहुंचाती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने पीपल, चिनार, चेटर और यूकेलिप्टस के पेड़ों के नीचे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा जखीरा जमा कर दिया है, जो ख़त्म नहीं होता। इन पेड़ों के आसपास चहलकदमी करना और गहरे गहरे सांस लेना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ऑक्सीजन इन चीज़ों में भी पाई जाती है, अंगूर, सेब, लेमू, संतरा, हरी मिर्च, प्याज। मैं जब बताता हूँ कि हमारे स्पाइनल खाओ, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इससे प्राप्त होती है, खून ताकत वगैरह बढ़ती है, मगर कहते हैं यार इसमें ऑक्सीजन कैसे आएगा? तो देखिए अंगूर के अंदर है, सेब के अंदर है, लेमू के अंदर है, संतरे के अंदर है, हरी मिर्च है ना, प्याज, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को खाइए। आइए सोडियम, सोडियम जिसमें बहुत सी बीमारियाँ खटास की वजह से पैदा होती है, सोडियम उसको जिसमें से बाहर निकालता है और सख्त मादों को पिघलाकर जिस्म से बाहर करता है। सोडियम जिस्म को मजबूत और आजा को चुस्त करता है, कब्ज को दूर करता है और पथरी बनने से हिफाजत करता है। इन चीज़ों में सोडियम पाया जाता है। गाजर, खीरा, सेब, पालक, इंजीर, मीठा आलू बखारा, मीठा आलू बखारा, चुकंदर, मूली, शलजम। पोटाशियम ये जिस्म के अंदर की सफाई करता है, बदन में चुस्ती लाता है। जिस्मानी वर्जिश की वजह से जिस्म में जो कमी पैदा हो जाती है, पोटाशियम उस कमी को पूरा करता है। पोटाशियम से जख्म जल्दी भर जाता है, जुकाम, बुखार, निमोनिया से महफूज रखता है। पोटाशियम इन चीज़ों में पाया जाता है। किन चीज़ों में? वो तमाम सब्जियां जो ज़मीन के ऊपर होती है और धूप में रहती है। नीज यानी कड़वे जायके की सब्जियां, मसलन करेला, चिरायता, इसी तरह सौंफ, सोया, पालक, मूली, शलजम, गाजर के पत्ते, टमाटर, तरबूज, समझ गए, इसमें पोटाशियम होती है। आयोडीन ये बदन से नुकसानदह चीज़ को खारिज करता है, सुस्ती दूर करता है, गिल्टियों के अमल को तेज करता है, बालों को बढ़ाता है और
इनकी स्याही बाकी रहता है, रखता है, दिमाग को कुवत देता है और कुवत हिफ्ज़ बढ़ाता है, यानी याददाश्त, याद करने की ताकत, याद रखने की कुवत बढ़ाता है। इन चीज़ों में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री मछली, समुद्र की घास, अनानास, काई, पित्ते वाली गोभी, लहसुन, बकरी का दूध, तो हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री काई खाओ, क्या एल्गी मतलब स्पायरुलिना, तो ध्यान नहीं देते। तो देखिए काई और साइंटिस्ट भी कह रहे हैं समुद्री मछली खाओ, समुद्री घास खाओ। समुद्री घास क्या है, दुनिया का नंबर वन समुद्री घास है स्पायरुलिना, और ये ऐसी है जो हजारों तरह की इसके अंदर विटामिन वगैरह है, समझ गए। अगर आपने ये जितनी चीज़ें मैंने बताया सब आप खाते ही होंगे, खीरा से आलू बखारा, चुकंदर, मूली, शलजम खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब चीज़ खाइए जो मैंने बताया, मगर इनके साथ साथ में आपको वो चीज़ भी खानी चाहिए। जैसे गाड़ी के अंदर आप क्या पेट्रोल डालते हैं, ऑयल डालते हैं और फिर उसकी सर्विसिंग भी कराते हैं। अगर गाड़ी के अंदर ऑयल पेट्रोल डाला और अंदर ही अंदर जलता रहा, उसका धुआं नहीं निकलेगा, सर्विसिंग नहीं होगी, तो गाड़ी क्या होगी, आप जानते ही हैं, बहुत समझदार है, अक्लमंद रहा है, इशारा काफ़ी अस्त, यानी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। इसी तरीके से हमारी डी एक्शन कंपनी में RGGL है, ये क्या करती है, जो चीज़ हम अपने अंदर डाल रहे हैं गंदी चीज़ें, वो खून पसीने लटी पेशाब के रास्ते से उसको सफाई कर देती है, निकल गई, आप फ्रेश रहेंगे। अगर उसको नहीं निकाला टॉक्सिन को, तो वही फिर गांठ बनने शुरू हो जाएंगे, ट्यूमर बनेंगे, कैंसर हो जाएंगे, समझ गए, और घुटने जाम हो जाएंगे, हजारों बीमारियां शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना है आप सब चीज़ खाइए, अल्लाह की पैदा की हुई, ईश्वर की बनाई हुई सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, मगर साथ में सफाई वाली चीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं सरल में समझाता हूँ, आप अगर बदन में साबुन ना लगाएं, 10 दिन ना नहाएं, तो आपकी स्किन का क्या हाल होगा, बदन का क्या हाल होगा, कितनी गंदी महक मारेगा, स्माइल देगा, समझ गया ना। इसी तरीके से अंदर भी है, अंदर जो फिल्टर हमारा फिल्टर कर रहा है किडनी, तो कितना वो मेहनत कर रहा है, और हम अगर गलत सलत चीज़ खा लें तो क्या हाल होगा उसका, और हम खा ही रहे हैं। दूध जो हम पी रहे हैं क्या वो बगैर टॉक्सिन का है, सब्जी जो खा रहे हैं, लीची जो आजकल देखो कौन सी विन केमिकल डाल के लाल कर देते हैं, फिर आता है वो, होता है वो, खाने के बाद क्या हाल होगा हमारा, अंदर कितने मस्त अंग, महत्वपूर्ण अंग है अंदर, अगर वो उनमें से कुछ भी खराब हो जाए तो पूरा बॉडी बेकार। आप साबुन तो लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर साबुन वो भी कौन सी, टॉयलेट सोप लगा रहे हैं कुत्ते के नहलाने वाले, आप अपने साबुन जो भी यूज़ कर रहे हैं ना अपने घर में, आप देख लीजिए ओनली सोप, यानी साबुन नहीं होगा लिखा, अगर लिखा होगा तो आपको 150-200 से ज़्यादा कीमत का होगा, 10-5 रुपये का नहीं होगा, समझ गए, 10-5 रुपये वाला सिर्फ कुत्ते नहलाने वाले ही साबुन होंगे। हम इंडिया में क्या है, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, ये जो चाहते हुए साबुन ले आते हैं, और स्किन एलर्जी, हज़ारों तरह की बीमारियाँ, कैंसर, सफ़ेद दाग इस साबुन से होते हैं, खास करके स्किन की सेल से जब टॉक्सिन भर जाता है, केमिकल वाला चीज़ भर के सेल से बीमार हो जाता है, तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह था कि हम अगर साबुन ना लगाएं तो ये हाल हो जाता है, और अगर हम साबुन ना लगा सिर्फ पानी से नहा लें तो चलेगा, ठीक है, स्किन में अगर फोड़े फुंसी हो जाए तो वो भी चलेगा, मगर अंदर अगर लीवर में, किडनी, फेफड़े में फुंसी फोड़े हो जाए तो कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इससे पता चला कि हमारा स्किन से ज़्यादा अंदर के पार्ट्स से की सफाई ज़रूरी है, और हम उसी पर ध्यान नहीं देते कि अंदर जो ऐसा चल रहा है चल रहा है, जब हम बीमार होंगे हॉस्पिटल पहुँचेंगे, और हॉस्पिटल में क्या है आजकल तो धांधली, तो आपको पता ही है, जो जाँच लिखते हैं ना उसका सेटिंग होता है वहाँ लेब वालों से कि थोड़ा बढ़ा के देना, आपका कोई ना कोई बीमारी जरूर निकालेगा, समझ गए, थोड़ा सा भी गांठ अगर कुछ हुआ तो उसको इतना पॉइंट बढ़ा के रिपोर्ट दिखाएंगे, अरे ये आपको तो कैंसर हो गया, आपको ट्यूमर हो गया, आपका ये हो गया, समझ गए ना। तो सेटिंग होता है, आपसे पैसे लूट लेंगे, और आजकल जैसे कहते हैं चंबल घाटी के डाकू वहाँ रहते थे पहले, अब सब हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं चंबल घाटी के डाकू, सारे डॉक्टर, सारे डॉक्टर तो नहीं बोलूँगा, बहुत ऐसे भी डॉक्टर है बेचारे, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि किस किस तरीके से हमारे इंडिया में लोगों को लूटा जा रहा है। डॉक्टर, जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाने के लिए बना है, वो दूसरों की जान ले रहा है, दूसरों की लाइफ बर्बाद करके अपनी लाइफ को बना रहा है। तो इसलिए आप अकलमंद हैं तो आप सोचिए कि कौन से डॉक्टर हमारे लिए भला है, कौन से नहीं है, और आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, अभी से डी एक्शन की ऑल प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपको कई कई साल तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल, हल्की फुल्की बीमारी हो गई तो यूँ ही खत्म हो जाएंगे, समझ गए ना, बड़ी बीमारी नहीं होंगी, किडनी, लीवर, हार्ट जो खास है जो ख़राब हो जाता है वो सब तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये गैनोडर्मा ल्यूसीडम एक ऐसा है सारी चीज़ों को क्लिनजिंग करता रहता है। आप अगर
आगे की सोचते हैं कि हम अपने बीवी बाल बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, तो कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे ही अगर अपनी बॉडी की आगे सोचते हैं, बॉडी के बारे में अगर आगे सोचें अभी से कि हम बुढ़ापे में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, किसी बच्चों को सहारा ना बने, चाहे पैसों में हो चाहे हेल्थ में हो, ठीक है, तो हमारा एक मशवरा है कि अभी से आप डीएसएन कंपनी में जुड़ जाइए, डिस्काउंट पे सामान लेते रहिए, चाय कॉफ़ी आरजी जल वगैरह वगैरह सारी चीज़ खाते रहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, साथ में वेल्थ भी मिलेगा और बुढ़ापे का सहारा भी मिलेगा। तो आप कहेंगे कि ये पैसे कैसे मिलेगा, हम प्रोडक्ट खाएंगे लेंगे और हमें कंपनी पैसा देगी, इतनी बेवकूफ़ थोड़ी कंपनी। तो उसका कंपनी का एक सिस्टम है, जैसे जो भी कंपनी आती है इंडिया में या किसी भी मुल्क में, तो वो पहले प्रचार करती है, प्रचार में करोड़ों रुपये बर्बाद कर देती है, तब जाके आपके हाथ में एक लक्स साबुन आता है, कितने पैसे खर्च किए तब आया वो, जो आपके पास जिसने पहुंचाया टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से, उसने आपसे पैसा लिया तभी आपके हाथ में आया। ऐसे ही हमारे डीएसएन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, पहले क्या करेंगे, हम लेंगे, हमें फ़ायदा होगा तो हम लोगों को बताएंगे, तो वो हमें कंपनी पैसा देती है प्रचार करने का, क्यों, हमने इस्तेमाल करके देखा बढ़िया है, समझ गए ना, तजर्बा किया, तब हम लोगों को बता रहे हैं। और अगर आपने लिया इस्तेमाल किया अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं बताएंगे, ये नेचुरल होता है ये। इसलिए आपसे गुजारिश है डीएक्शन की हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखिए, और अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, हमदर्दी है, उनको बताइए इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे बेनिफिट, इतने फ़ायदे हैं, और लेने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर दो तीन चीज़ें भेज दीजिए, एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना आधार कार्ड के फ़ोटो, और एक पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड की फ़ोटो भेज दीजिए, और नॉमिनी का नाम यानी वाइफ का नाम, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मम्मी या पापा का नाम हो जाएंगे, अगर शादीशुदा है तो बीवी का नाम हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एक ये भी फ़ायदा है, आपके बाद आपके बीवी बाल बच्चों भी आईडी ट्रांसफ़र होंगे, जिससे कि उनको भी इससे लाभ मिलता रहेगा, ठीक है, इसमें नुकसान नहीं है। तो आप जितनी जल्दी हो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि मुझे डीएक्शन के प्रोडक्ट लेने हैं और बुढ़ापे का सहारा भी बनाना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9871129152698715326। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है, मैं दिल्ली से आप तमाम लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी भेजता हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्यों, क्योंकि ताकि आपसे कोई ऐसी अच्छी वीडियो मिस ना हो जाए, हर रोज़ आप न्यू न्यू जानकारी की वीडियो लीजिए। और अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है कि मैं इस सवाल करूं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या मैसेज लिख के भेज दीजिए, तो आपके सवाल के जवाब दे दिया जाएगा। और एक नहीं कई लोग रोज़ाना सवाल करते हैं और उसको मैं जवाब देता हूँ, बहुत खुश होते हैं। कल ही एक वीडियो डाला मैंने, देख रहे हैं 3-4 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी मशवरा देते हैं, थैंक यू वगैरह वगैरह, ऐसे हज़ारों हैं हमारे पास, समझ गए। अगर आप अपनी आवाज़ इस वीडियो में रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, अपनी फ़ोटो डलवाना चाहते हैं थंबनेल पे, तो आप इजाज़त दीजिए, आप भेजिए, मैं आपकी फ़ोटो डाल के आपके नाम के साथ वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए, और शेयर भी कर दीजिए।